चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। यो प्रदीप का है, यो उनका नुकसान है जी। यो सब वो में लाल कपड़े पहरी लमड़ी मोहल्ला नुकसान है जी। हमारे बच्चे हैं वहाँ लोग। ये कितने दिन से खुदाई चल रही है? ये खुदाई आज 8-10 दिन से है जी। ये ढेर दूर लोग रकबा खराब कर दिया। एक दिन में कराए हो? दो चार घंटे में सारे अंदर। कम 120 पट्टों पे बल्डर चल गया जी। जो चुनाव में क्या प्रधान होया 5 साल के बाद 15-20 साल के बाद में जाट, और वो अपनी चला रहा 15-20 साल तक ये प्रधान होता है। मुसलमानों ने किसी ने प्रधान ने नूनी कहा, कह लगा भाई थारे पट्टे कैंसल हैं और हमारे पट्टे दिए है इंदिरा के योजना के दिए है जी कांग्रेस के, और हमारे पे कब्जा है पूरा। तक हम गरीब आदमी हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। अरे भाजपा सरकार जब तक आई, जब तक हमारे पेट पर लाठी मारते आ रहे, बलडोजर चला रहा हमारे पेट पर, देखा नहीं मैं, हमारी कोई सुना नहीं लेता। तो जैसे कि हमारा 2 बीघा पट्टा है, जब तो हमें मिला हमें बोने नहीं दिया जाटों ने जी, उसमें खाद डाल दिया। हमें ऐसा मौका देते कि ये बोले, यानी कि हम इतने तहसील में जाते रहे, इतने में नदी पर कुबाड़ा ठा गए और खेत में जाकर देखो फोटो लाओ उसके, उस पर इतना ऊंचा टिल्ला मार दे जी। हमें जो है परेशान कर रहे, हमें ऐसा नहीं सोच रहे जो अपने बच्चों को ही पाल रहे। हमें बताओ हम कहाँ जाएंगे भैया? प्रधान तब ने सामने पूछा, मगर साहब ये बताओ ये आपके पास में आदेश है? उन्होंने कहा भा हमारे पास में तो कोई आदेश नहीं है। मगर फिर पटवारी पे पटवारी से पूछो। जैसे अब हमारे गांव में हुआ कि भाई गौशाला बना दी जाए, इनके पट्टों के ऊपर बना दिया जाए, तो ना ही तो सरकार ने कोई ऐसा सूचना दी कि भाई किस ज़मीन में बनाया जाए, पहली तो यही बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ज़मीन में गौशाला बनाई भी जाए तो गांव की जो चकबंदी हुई थी पहले उसमें जब बहुत काफ़ी ज़मीन छुटी हुई है, और गरीबों की ज़मीन को तो हड़पना चाह रहे, लेकिन जो अमीरों के नीचे गए उस ज़मीन का क्या हो रहा, इस बात का कोई लम नहीं आगा। खाद भी डालते हैं, पानी भी, बिजाई भी, सब कुछ है। वो अपने जूतों करके जैसे तो अपने पट्टे बीज लिए उन्होंने, लेकिन अब उनके ऊपर जो मतलब वे तहस नहस कर दिए गए तो उनको वो भी नुकसान हुआ। सरकार ना तो कोई इसकी जान माली का हर्जाना देने की, ना कुछ होने का। अगर मान ले कहीं भाई DM के पास जा या किसी के उसके चकबंदी अधिकारी के पास जा तो वे कोई रास्ता देते इस चीज़ का। इसका अंजाम सिर्फ ये होगा कि या तो ये लोग मरेंगे या मतलब जो कुछ और होगा, इसका अंजाम तो यही होगा। सरकार के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। पहले फूटता जी कुछ कुछ नहीं पैदा होते थे, कंकर पत्थर पड़ते जी, सिरों तो बोते हो गए, सिर भी बाल नहीं रहे। इसे एक साल करने में इतनी मेहनत करने में कि हमारे पति का माल लूटा लग रहा, 40 साल का 43 साल का कब्जा टूटा लग रहा, कहीं 43 का टूटा लग रहा, 74 के मिले हुए हमें। पानी के पीछे लगे 20 रुपये घंटा गाँव में, हम 50-50, 60-60, 100-100 रुपये घंटा पानी के देगा मजबूरी ने, मैं अपना काम कर रहे थे, ये भी महाराज नुकसान हो गया। क्या हम मर जाना ठीक है इससे तो अच्छा भाई। पहले जो वो है पहले कास का छुड़ा, फिर बाद में छुड़वा लो, छुड़वा लो, इस सब चमनों को ये कदम बंद करना बेचारे। अगर मेरे पास 10 बीघे जमीन फाल तो पहले छुटो मैं, अब फिर मैं चमन फिर चमन दूसरे पास में छुटवा दे। सही बात, अब पहले गरीबों को फांसी देनी भाई। इतनी कद कद कचरी तो शीर्ष खड़ी थी, रोड बड़ी बड़ी बरसीन थी और उन्होंने ही कटवा दी सब लोगों को। अलगो नु आते घर खाली करो, मैं दाद दग दी जमीन आगी आगे एक ले जाओ अपनी पाड़ का, हम एक काल जाने पाड़ का अपनी बताओ ये भी सरकार की। और क्या रास्ता बढ़ाता, हम अपना सड़क पे डाल लेंगे जी अपना डेरा। हम ये चाहो हमारी जमीन, झोपड़ी हम चाहो हमारी जमीन, हमें वापसी मिले, हमारा हक हमें वापसी। जब नु कह रहे थे ये सब बना दो, भाजपा को बना दो, फुलाने को बना दो, एक हिंदू का पकस करेगा यो करा हिंदू का पकस, हमारा क्या इलाज होना चाहिए? कोई मारी पिलसन नहीं, कोई मारा तनख्वाह नहीं, मारे बच्चे जाएंगे कहां?
घर से अपनी डोल पर कौन चढ़न देगा है? कि अब जो सबके घर में दो दो तीन तीन बच्चे हो रहे सबका बटरी, हमें कौन चढ़ा लेगा अपनी डोल पर?